नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर नेशनल हाईवे संगूर चौक पर। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज रेवेन्यू विभाग नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से अक्रोचमेंट जो की गई है यहां पर सड़क के किनारे, उससे हटाया जा रहा है। अलोसमेंट भी की जा रही है पहले कि अपना अपना सामान उठा लें, नहीं तो वो गिराया जाएगा। ये देखिए, मैं आपको फिर बता दूं कि ये देखिए सामने, ये पुलिस मौके पर पहुंची है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग, रेवेन्यू विभाग के लोग, ये सारे के सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इसे हटाया जा रहा है। ये देखिए, मैं आपको फिर बता दूं कि यहाँ पे जेसीबी मशीन भी लाई गई है और उनके द्वारा जो जो मकान होंगे, खोखे होंगे, उन्हें गिराया जाएगा, उन्हें गिराया जाएगा। मैं फिर आपको ये बता दूं, उन्हें गिराया जाएगा। ये देखिए, मैं सामने फिर बता दूं कि ये देखिए, ये सामने जेसीबी मशीन लगी और ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो ये सामने घर बने हुए, ये सड़क के बीचों बीच है, ये नेशनल हाईवे का ये रोड पड़ता है और ये बीचों बीच हैं। ये उसी के चलते आज यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग, रेवेन्यू विभाग के लोग, ये सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके द्वारा ये छोटे बहुत जो यहाँ पे पुराने घर बने हुए, उन्हें गिराया, ये सरिया था यहाँ पे पड़ा हुआ, उसे हटाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूँ कि उधमपुर पुलिस, यहाँ के उधमपुर के जो SHO हैं रघुवीर सिंह, वो भी मौके पर पहुँचे हैं, उनके साथ पुलिस आई हुई है और ये जो भी यहाँ पे घर बने हुए हैं, उन्हें यहाँ से हटाया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से ये सारा, मैं फिर आपको बता दूँ कि ये सफ़ेद जो वाइट वो कलर के जो मकान हैं उसकी रेंज में ये सारे आते हैं और इसके आगे जो भी मकान होगा उसे गिराया जाएगा। घर हो चाहे खोखा हो, चाहे आपको ये बता दूं कि पुलिस, रेवेन्यू विभाग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग, ये सारे के सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनके द्वारा पहले अलाउंसमेंट की गई कि अपना अपना सामान हटा लें, नहीं तो ये गिराया जाएगा और ये गिराया जाएगा। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो लोग हैं, वो लोग भी बाहर आए हुए हैं, पहले भी ये कहा गया था, लेकिन अब की मैं अगर बात करूं, ये फिर ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं कि जो भी मकान हो, चाहे कुछ भी हो, ये देखिए, मैं आपको फिर बता दूं कि ये महिला रो रही है। ये देखिए, ये इनका घर था लेकिन ये देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, देखिए ये परिवार वाले जो रो रहे हैं, लेकिन नोटिस दिया गया था, नोटिस भी दिया गया इनको, लेकिन अब ये नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब ये खाली करेंगे, सारे का सारा मकान निकाला जाएगा। मैं फिर ये बता दूं आपको कि यहाँ पे नायब तहसीलदार श्याम सिंह जी भी पहुँचे हैं, रेवेन्यू विभाग के लोग पहुँचे हैं सारे के सारे। लेकिन मैं फिर ये बताता चलूँ आपको कि ये जो उनका ये सामान था वो निकाला जा रहा है बाहर। अब नोटिस दिया गया है, मैं फिर आपको बता दूं कि नोटिस दिया गया था इन लोगों को और यहाँ पर गाड़ी द्वारा अलाउंसमेंट भी की गई है कि अपना सामान निकालें बाहर, लेकिन छोटे बच्चे भी रो रहे हैं, छोटे बच्चे भी ये रहते सामने, ये छोटे बच्चे भी रो रहे हैं। ये छोटे बच्चे जो हैं,
के बच्चों की अगर बात करूँ तो वो भी छोटा बच्चा ये भी पता है कि ये हमारा घर था, किताबें अंदर पड़ी हुई हैं और सामान अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन मैं फिर कह दूँ कि ये सरकारी सर्कल था, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो वो लोग आए हुए रेवेन्यू विभाग के लोग आए हैं और ये नेशनल हाईवे रोड है और नेशनल हाईवे के साथ ही लगते ये बने हुए थे, पहले भी कई बार कहा गया इन्हें, लेकिन अभी तक ये बच्चा ये रो रहा है। मैं फिर आपको ये लोग अपना अपना सामान समेट रहे हैं और अपने घर वालों को बुलाया जा रहा है, कहीं जो लोग बाहर हैं उन्हें भी बुलाया जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद ये घर तोड़ दिया जाएगा। कुछ लोगों द्वारा खाली भी किया गया है, कुछ लोगों द्वारा खाली भी किया गया। मैं फिर आपको ये बता दूँ कि ये महिलाएँ यहाँ की हैं, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी और रेवेन्यू विभाग की ओर से जो टीमें रहती हैं वो टीमें यहाँ पर पहुँची हैं। ये देखिए, ये इसे खाली भी किया गया है, ये खाली कर दिया गया है, लेकिन हाईवे के अंदर जो हाईवे रोड रहता है उसके अंदर जो भी मकान होगा या कुछ होगा उसे गिराया जाएगा। ये देखिए, मैं आपको फिर बता दूँ कि कहा जा रहा है कि नोटिस दिया गया था, मेरी बात महिला से हुई तो उन्होंने बताया कि नोटिस दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मकान सामान नहीं निकाला गया। क्या आगे तो थोड़ा भी कर रहा है, दो चार दिन का टाइम दियो, भैया दो चार दिन का टाइम दियो, अब कहीं नहीं कुछ जान जा सकते हैं। तुसी नोटिस देते रहे ने? हां नोटिस देते था पहले आके, नहीं लेडीज आके नहीं देते था, दो चार दिन का टाइम दियो, ये करना कोई बड़े अफसर आए उसे जा सकने हैं। और भी महिलाएं में उनसे बात करनी हो, क्या क्या कहेंगे कि सामान जो मकान तो गिराया जाएगा? नहीं, मकान हमें रहने की जगह चाहिए ना, हम गरीब लोग हैं, मीडियम पैसा हमारे पास है ना, हमारे पास जगह रहने के लिए, बड़े उखड़ा हो, लेकिन सामान उठा के जाएंगे कहाँ? हमारा यही है, नेशनल हाईवे काफी समय से बना हुआ है, नहीं वो हमारी शादी से पहले की बात है, वो हमें पता नहीं, जब हम ससुराल से आए हमें यही बताया कि हमारा घर है, हमने बड़ी मुश्किल से ये घर बनाया, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, भी उनके वो कह रहे हैं कि नोटिस दिया गया है सबको खाली करने के लिए। हाँ सर, नोटिस हम दो तीन बार गए भी डीसी मैम के साथ, मकान खाली कर दिए, वो उन्होंने बोला देखेंगे धोखेंगे, कोई आया नहीं, कल भी आए थे लेकिन बाहर से चले गए, किसी से कोई बात तक नहीं की, पूछना तो चाहिए कि गरीबों की हालत कैसे चल रही है। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे ऑफिसर अधिकारी आए हैं, देखिए हमें पेमेंट दे, थोड़ा बहुत रहने की ठिकाने की जगह देना, हम कोई बात नहीं है, जो पड़ी है वो दी नहीं है, पहले की पड़ी है, जैसे तेरे ससुर जाने थे तब की पड़ी है ना, जगह दी है ना, वो हमारी शादी से पहले की बात है, हमें पता ही नहीं है। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं उनका ये कहना है कि पैसे नोटिस तो दिया गया लेकिन रहने के लिए इनके पास जगह नहीं, काफी पुराने ये लोग रहते हैं, लेकिन कोई पुरानी इनकी पेमेंट थी वो भी इन्हें नहीं मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं देखे तो ये लोग अपनी गाथा सुना रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि मैंने पहले भी आपको बताया कि नेशनल हाईवे के अंडर अगर कोई भी ज़मीन या कुछ आता होगा तो वो उसे गिरा देंगे, उसे नहीं छोड़ेंगे ये, लेकिन पहले कहा जा रहा है कि नोटिस दिया गया था, इन्हें पहले भी बताया गया था, ये जो बाहर बना हुआ था उसे गिराया गया, और ये जो जैसे भी मशीन लगी हुई है उनके द्वारा ये जितने भी घर आएंगे उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, वो तो गिराया जाएगा। मैं फिर आपको बता दूं कि आज टीम में यहाँ पर पहुँची है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बाद जो रेवेन्यू विभाग की बात करें, पुलिस की बात करें, तो ये लोग सारे यहाँ पर आए हुए हैं और इनकी ओर से ही ये अभियान शुरू किया गया है, और इसमें जितने भी इस हाईवे के दायरे के अंदर आते होंगे, जितना रोड छोड़ के उसे गिराया जाएगा, उन्हें गिराया जाए। लेकिन औरतों से हमारी बात हो रही है, ये देखिए ये सामान भी निकाला जा रहा है बाहर, लेकिन कुछ महिलाओं की आंखों में आंसू भी हैं, काफ़ी पुराने लोग ये रहते थे, लेकिन नोटिस देने के बाद भी लोग अगर खाली नहीं करते हैं तो फिर तो डिपार्टमेंट को उसे गिराया जाएगा। अभी जिस तरह से अभी ये देखिए, मैं आपको फिर बता दूँ कि ये नहीं छोड़ेंगे, और इनके द्वारा मैं आपको फिर बता दूं कि जितने भी ये घर बने हुए हैं हाईवे के साथ लगते, ये सभी को उखाड़ा जाएगा, गिराया जाएगा। नोटिस दिया गया था, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि बात हुई तो उन्होंने कहा था कि नोटिस दिया गया, लेकिन चार दिन का टाइम मांग रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर पैमाइश की गई है रेवेन्यू विभाग की ओर से, यहाँ पे देखा गया है, और उसके बाद ही अब ये गाड़ी भी अलॉसमेंट भी की गई है कि अपना अपना सामान बाहर निकालें, और उसके बाद
बाद ही ये टीमों द्वारा ये बता दिया गया था, काफी पहले से बता दिया गया था कि आपका जो भी इंक्रोचमेंट है उसको आप अपना कुछ सामान वगैरह वो हटा लें और अपना इंक्रोचमेंट हम लोग इस दिन कार्रवाई करने वाले हैं, तोड़ना है, तो पहले से बताया गया था इनको प्रॉपर्ली। कितने दिन पहले नोटिस जो है वो सब किया गया था? नोटिस तो करते हैं, काफ़ी टाइम से हम नोटिस देते रहे हैं और रिसेंट में भी डेली अनाउंसमेंट लगभग चली है इधर कि ऐसे ऐसे आप जो भी अपना सामान वामान हटाना चाहें हटा लें, तो उसके बाद ही है कार्रवाई। अभी क्या कॉपरेट कर रहे हैं लोग जो यहाँ पर हैं? फिलहाल तो बहुत अच्छे से कॉपरेट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी कोई ऐसा दिक्कत महसूस नहीं हो रहा है यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कुछ भी। आगे भी इस तरह की ड्राइव्स कहीं और भी हैं चलाएंगे? अभी थ्रू आउट हम नेशनल हाईवे पे, चूँकि हमारे आप देख रहे होंगे हर जगह डेवलपमेंटल प्लान्स आ रहे हैं, तो जो भी इंक्रोचमेंट्स है उसको हम आइडेंटिफाई करके ताकि हमारा कोई भी डेवलपमेंट प्लान जो है वो रुके ना, ऐसा कोशिश है हमारा। यहाँ से ये कहा जा रहा है कि अंडरपास बनना उसके लिए ग्रुप जो है वो जी है। आप देख रहे होंगे पीछे कार चल भी रहा है तो उसी के लिए अपना ये सारा इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है। धन्यवाद। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग आपने देखा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग यहाँ पर माध्यम के उनके द्वारा ये बताया गया कि काफ़ी समय से पहले नोटिस दिए जा रहे थे और कई नोटिस पहले भी दिए गए हैं और इसके बाद उनके द्वारा अब ये गिराने का काम शुरू किया गया है। अंडर पास यहाँ से रोड निकाला जाएगा, यहीं से वो रास्ता निकलेगा और उसी के चलते हाईवे जो अपनी जगह हाईवे की रहती है उस जगह को ही खाली करवाया जा रहा है। अगर उसमें कोई भी मकान या कोई भी घर आता है उसे वो गिराए देंगे, लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि नोटिस पहले दिए गए हैं और एक नहीं, उनका कहना था कि 3-4 बार ये नोटिस दिए हैं। महिलाएं भी मान रही हैं नोटिस दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि हमें कुछ और समय चाहिए। लेकिन अब नेशनल हाईवे कोई भी समय नहीं देगा, लेकिन अब सिर्फ उनकी ओर से उनकी साथ होगा। मैं आपको फिर बता दूं कि यहाँ पर जो महिलाएं थी फिर आपको बता दूंगी अपनी अपनी बात रखी जा रही है, लेकिन हाईवे के लोग जो हैं वो अब मानने को तैयार नहीं है। फिर आपको बता दूं कि हाईवे नेशनल हाईवे का जो रोड रहता है उस पर अगर कोई भी घर बना है या कोई कुछ भी बना होगा उसे वो गिराया जाएगा, लेकिन मैं फिर ये बता दूं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात की जाए, चाहे रेवेन्यू विभाग की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, तो ये टीमें यहाँ पर पहुँची हुई हैं और इनकी ओर से ही यहाँ पर ये छोटी बच्ची देखे, कुछ लोग रो रहे हैं, छोटी लड़की भी रो रही है। ये मैं फिर आपको बता दूं कि ये वो लोग हैं जो बच्चे पढ़ते थे, उनका सामान अंदर पड़ा हुआ है, उनका सामान अंदर था। ये लोग मैं पूरी आपको दिखा दूं कि काफ़ी लोग जहाँ पर जमा हुए हैं, लेकिन अब ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अधिकारी थे उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि काफ़ी समय से पहले इन्हें नोटिस दिया जा रहा था लेकिन खाली करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन अब खाली अगर नहीं हुई है तो वो उनकी ओर से कार्रवाई की जाएगी। सामान के लिए कहा जा रहा है कि सामान निकाला जाए, वो देखिए वो सामने जो घर में वो सारा सामान निकाला जा रहा है, वो बाहर रखा जाएगा सामान निकाल कर, उसके बाद मकानों को यहाँ पे गिराया जाएगा। लेकिन मैं ये फिर बताता चलूँ आपको कि ये देखिए जो घर काफ़ी पुराने घर ये बने हुए थे, काफ़ी पुराने ये घर थे, इन सभी घरों को अब जो हाईवे के अंदर आते हुए उन्हें गिराया जाएगा। ये देखिए ये जो काफ़ी पुराना ये मकान था इसे इस तरह से ये गिराया गया है। पुलिस मौके पर है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अपना अपना सामान बाहर निकालिए और उसके बाद ही उन्हें गिराया जाएगा, लेकिन वो गिरा देंगे, अब वो समय भी नहीं देंगे। उनका कहना था कि कई बार पहले नोटिस दिए गए हैं खाली करने के लिए और ये नेशनल हाईवे के अंदर ही ये जगह आती है पर यहीं से अंडरपास रास्ता निकाला जा रहा है, क्योंकि हाईवे नेशनल हाईवे है और रेलवे स्टेशन उस साइड पड़ता है, लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत रहती है और कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट हुए, कई लोगों की जान चली गई है।
उसके चलते सरकार द्वारा यहाँ पे अंडर पास एक रास्ता निकाला जा रहा है। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूँ कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी, रेवेन्यू विभाग, पुलिस की ओर से यहाँ पे जो टीमें पहुँची हैं, लोगों को नोटिस दिए गए थे खाली करने के लिए, लोगों ने खाली नहीं किया है, लेकिन अब इन्हें गिराया जाएगा, सामान बाहर निकाला जा रहा है। हाईवे अथॉरिटी के जो लेबर रहती है वो पहुँची है, उनकी ओर से भी सामान खाली निकाल के दिए जा रहे हैं कमरे। लेकिन मैं आपको फिर बता दूँ कि यहाँ से ये पूरे का पूरा इसे खाली किया जाएगा, रोड को पूरे क्लियर किया जाएगा। लेकिन कुछ महिलाओं की आंखों में आंसू थे कि काफ़ी पुराने ये घर बने हुए थे, काफ़ी पुराना ये लोग रहते थे। और ये देखिए, मैं आपको फिर बता दूँ कि ये कच्चे मकान बने हुए हैं और काफ़ी पुराने मकान बने हुए हैं, लेकिन हाईवे की जो जगह रहती है उसी जगह को ये खाली करवाएंगे, उस जगह को खाली करवाया जाएगा। ये देखिए, ये महिला रो रही है, ये किस तरह से ये आंखों, उनकी आंखों में आंसू है, सामान निकाला जा रहा है, बाहर रखा जा रहा है। अब ये नहीं, तो मैं फिर ये बता दूं कि ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें आपको मेरा चैनल पे दिखाई जा रही हैं। ये नेशनल हाईवे संगूर चौक, फिर मैं आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे संगूर चौक पर जो घर थे पुराने बने हुए, उन घरों पर अब तोड़ा जा रहा है, अभी गिराया जा रहा है। फिर ये बताता चलूँ आप, हमारी जब बात नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी से हुई तो उन्होंने बताया कि नोटिस दिए गए थे और उसके बाद सामान दे देते, सामान पूरा खाली किया जा रहा है, इस घर को खाली किया जा रहा है और औरतें रो भी रही है, जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन और आंसू, काफ़ी पुराने लोग ये रहते थे, 40-40 30-30 साल पुराने ये लोग रहते थे यहाँ पर। हाईवे रोड बना, उसके बाद अलाटमेंट जो थी उस जगह को ये ज़्यादा पहले खाली करवा दिया जा रहा था। अलाटमेंट जो थी उस समय महिला पुलिस की मैं बात करूँ, महिला पुलिस भी घर पहुँची है, महिला पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है, उनकी गाड़ी भी पहुँची है। मैं फिर आपको ये बता दूँ कि पुलिस की बात करें तो पुलिस कई पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, कई पुलिस की गाड़ियाँ हैं। और ये देखिए, ये लोग सामान उठा उठा के दूसरे घरों में रखा जा रहा है ताकि सामान को बचाया जा सके, क्योंकि वो देखिए, वो सारा सामान निकाला गया, वो बाहर रखा गया वो सामान। कौन उधर गए? ये मैं आपको फिर बता दूं कि ये पहले नोटिस दिए गए थे और उसके बाद, नोटिस देने के बाद, नोटिस देने के बाद ही ये खाली करवाया जा रहा है। मैं आपको फिर बता दूं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, रेवेन्यू विभाग की बात करें और पुलिस की बात करें, ये तीनों टीमें यहाँ पर पहुँची हैं और उनके द्वारा इसे अब
तो लोगों की मैं अगर बात करूँ तो लोग अलाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि अपना अपना सामान जल्दी से जल्दी बाहर निकालें। रेवेन्यू विभाग की बात करें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात करें, तो उनके द्वारा मैं फिर ये बता दूं कि यहाँ पे श्याम सिंह जी हैं, उनसे भी बात होगी। जी सर, आज सुरगुप्त चौक पर कार्रवाई की गई है, कितने यहाँ पर जो है कुके खाली करवाए गए और क्या पहले इन्हें खाली कराने का आदेश दिया गया था? देखिए, ये सारी कार्रवाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे बतौर मैजिस्ट्रेट जहाँ पर बुलाया गया है, तो ये जितने खोखे या कुछ भी बीच में मकान भी होंगे, कुछ आदि आदि दुकान है किसी की, उनकी ये एनक्रोमेंट ड्राइव जो है वो उनके हटाने के लिए वो चला पहले नोटिस दिया गया था खाली करने के। हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले बोर्ड दिया हुआ था, और काफ़ी ये बड़ा पुराना इशू है, 20-22 साल पुराना है जब ये नेशनल हाईवे बना था, तब से ये पीछे कुछ लोग रह गए थे, अभी इनके आधे आधे मकान आए थे, कुछ के थे ये जहाँ से निकले ही नहीं, जहाँ पर कुछ अभी पाथवे बन रहे हैं अंडरग्राउंड जो है वो नीचे जाने के लिए, उसकी वजह से इनको जहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं कि अंडरपास जो रास्ता बनाया जा रहा था उसी के चलते मैं आपको फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से और उनकी टीम, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अधिकारी थे उनसे भी बात हुई, और जो रेवेन्यू विभाग के जो नायब तहसीलदार है श्याम सिंह जी, उनसे भी बात हुई। उनका कहना था कि नोटिस पहले दिए गए थे खाली करने के लिए, कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये लोग कुछ समय मांग रहे थे, अब समय नहीं दिया जाएगा, सामान बाहर निकाला जा रहा है, अगर सामान नहीं निकलता तो भी इसे तोड़ा जाएगा, गिराया जाएगा, क्योंकि अंडरपास जो रास्ता है उसे यहाँ से निकाला जा रहा है, और रास्ते को लेकर ही ये सारा। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो महिला पुलिस की बात करी जाए, चाहे जेंट्स पुलिस की बात की जाए, तो वो सारे टीमें यहाँ पर पहुँची हुई हैं, उनके द्वारा और उनके द्वारा लोगों को कहा भी जा रहा है। और उसके बाद मैं फिर ये बता दूं आपको कि ये पार्क उनके द्वारा, ये मैं फिर बता दूं आपको कि ये पूरा देखिए किस तरह से यहाँ पे लोगों का जमावड़ा बना हुआ है, लोग यहाँ पर आए हुए हैं। थोड़ा पीछे कवर बंद कर रहे हैं, ध्यान रख पीछे। और मैं फिर आपको ये बता दूं कि नेशनल हाईवे की टीमें, पुलिस, रेवेन्यू विभाग यहाँ पर पहुँचा हुआ है, और जो मकान थे यहाँ पे कच्चे मकान, काफ़ी पुराने मकान थे, नेशनल हाईवे के अंडर वो आ रहे थे, और अंडर पास रास्ता भी निकाला जा रहा है, और नोटिस भी दिए गए हैं पहले खाली करने के लिए, लेकिन खाली नहीं किए गए हैं। आज यहाँ पर जेसीबी मशीन लेकर ये पहुँचे हैं लोग, ये गिराया जा रहा है, आधे मकान उन्होंने गिरा दिए हैं। लोग अब आहिस्ता आहिस्ता अपना अपना सामान बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ महिलाएं रो रही थी कि हमें वक्त दिया जाए, हमें या कोई जगह दी जाए ताकि वो शिफ्ट वहाँ पे कर पाएँ, मगर ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन वो खाली किया जाएगा इस रोड को यहाँ से पूरी तरह से, और अंडरपास रास्ता निकाला जाएगा। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।